जयपुर नगर निगम ग्रेटर में घूस कांड में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पिछले चार माह से एसीबी की टीम कर रही थी पीछा, एफए अचलेश्वर मीणा और दलालों का कर रही थी पीछा। आरोपियों ने घूस का कोडवर्ड बना रखा था मिठाई। पकड़े गए आरोपी अक्सर मिलते थे रेस्टोरेंट और ऑफिस में। रेस्टोरेंट में मिलकर करते थे घूस की उगाही की बात। घूस की रकम उगाने के लिए तीनों तलाशते थे मुर्गा। अब एंटी करप्शन ब्यूरो टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तीन दिन के एंटी करप्शन ब्यूरो रिमांड पर है तीनों आरोपी। बड़ी खबर और अहम खबर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के जरिए घूसखोरों पर नकेल कसी जा रही है। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में घूस कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। और आपको बता दें कि पिछले चार माह से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पीछा कर रही थी, एफए अचलेश्वर मीणा और दलालों का पीछा कर रही थी। आरोपियों ने घूस का कोडवर्ड मिठाई बना रखा था। पकड़े गए आरोपी अक्सर रेस्टोरेंट और ऑफिस में मिलते थे। रेस्टोरेंट में मिलकर करते थे घूस की उगाही की बात। घूस की रकम उगाने के लिए तीनों मुर्गा तलाशते थे। और अब एंटी करप्शन ब्यूरो टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तीन दिन के एंटी करप्शन ब्यूरो रिमांड पर है तीनों आरोपी। और अब ऐसे में हो सकता है कि इस पूछताछ के जरिए कई नाम सामने आए और ये भी सामने आए कि इससे पहले कौन कौन से मामले हैं जिनमें इनकी संलिप्तता है। बेटियों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला, जरूरतमंद बेटियों को सहारा देगी गहलोत सरकार। आपकी बेटी योजना के जरिए होगी मदद। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीपीएल परिवार की बालिकाओं को मिलेगी ये मदद। जिन बालिकाओं के परिजनों का हो चुका है निधन, उन्हें भी मिलेगी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से सूची मांगी है। तो विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से सूची मांगी है और उसी के आधार पर इन बेटियों के लिए जो संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है उसके अनुसार मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि जरूरतमंद बेटियों को सहारा देगी गहलोत सरकार, आपकी बेटी योजना के जरिए ये मदद की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीपीएल परिवार की बालिकाओं को मिलेगी ये मदद। जिन बालिकाओं के परिजनों का निधन हो चुका है उन्हें भी मिलेगी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इनकी सूची मांगी है जिनकी मदद इस योजना के जरिए की जाएगी। जोधपुर में पान मसाला विक्रेताओं पर छापे, डीजीजीआई ने डाले जबरदस्त छापे। एक गुटखा व्यवसायी से वसूले 22 करोड़ रुपए। इसी प्रकार दूसरी गुटखा फर्म दो मालिक हुए गिरफ्तार। तो इसी प्रकार दूसरी गुटखा फर्म के दो मालिक गिरफ्तार हुए हैं। डीजीजीआई ने पिछले सप्ताह किए गिरफ्तार। इन पर है 40 से 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप। इन दोनों बड़े व्यवसायियों के बाद नंबर आया धारीवाल खेनीवाला का। फर्म के मालिक नितिन ने जमा कराए जीएसटी चोरी के 11 करोड़ रुपए। ये सभी छापे डाले केंद्रीय जीएसटी विभाग ने। तो आखिर अभी तक क्या कर रहे थे राजस्थान जीएसटी के अधिकारी, तो बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल अब उठ रहा है कि आखिर अभी तक क्या कर रहे थे राजस्थान जीएसटी के अधिकारी। क्योंकि जिस तरीके से पूरी वारदात और पूरी घटना सामने आई है तो वैसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है। क्योंकि जोधपुर में पान मसाला विक्रेताओं पर छापे मारे गए हैं, डीजीजीआई ने जबरदस्त छापे डाले हैं। एक गुटखा व्यवसायी से 22 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और इसी प्रकार दूसरी गुटखा फर्म दो मालिक गिरफ्तार हुए हैं। तो दूसरी गुटखा फर्म के दो मालिक भी गिरफ्तार हुए हैं। डीजीजीआई ने पिछले सप्ताह इन्हें गिरफ्तार किया। इन पर है 40 से 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप। इन दोनों बड़े व्यवसायियों के बाद नंबर आया धारीवाल खेनीवाला का। फर्म के मालिक नितिन ने जमा कराए हैं जीएसटी चोरी के 11 करोड़ रुपए। ये सभी छापे डाले केंद्रीय जीएसटी विभाग ने। तो आखिर अभी तक क्या कर रहे थे राजस्थान जीएसटी के अधिकारी, बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल। क्योंकि जब बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी जीएसटी चोरी पकड़ी गई है तो अब ये पूरी कार्रवाई की गई है केंद्रीय जीएसटी विभाग की तरफ से। तो सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर राजस्थान जीएसटी विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि विपरीत हालातों में खान विभाग ने बनाया नया राजस्व रिकॉर्ड। मंत्री प्रमोद जैन भाया, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, निदेशक केबी पंड्या की तिकड़ी ने टीम वर्क दिखाया है। वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। 6 जनवरी तक कुल
4,234 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में यह आंकड़ा 6,000 करोड़ से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। तीनों की तिकड़ी ने कमाल कर दिखाया है, क्योंकि विपरीत हालात हम सभी ने देखे, कोरोना का मुश्किल दौर भी सभी ने देखा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी पटरी हो चली थी, पर तीनों की तिकड़ी ने जिस तरीके से काम किया, टीम वर्क बहुत बेहतरीन रहा। यही वजह है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और निदेशक केबी पंड्या की तिकड़ी ने टीम वर्क किया और वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। 6 जनवरी तक कुल 4,234 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया है। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में यह आंकड़ा 6,000 करोड़ से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। तो लगातार अब जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में यह आंकड़ा 6,000 करोड़ से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। शीतलहर ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का आकलन, फसलों के नुकसान का कराया जा रहा है आकलन। मुख्यमंत्री गहलोत इसको लेकर कल लेंगे अहम बैठक, आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग की बैठक लेंगे। लगातार हमने वो तस्वीरें देखी, वो खबरें भी सामने आई जब हमने ये देखा कि किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। वजह ओलावृष्टि और शीतलहर, जिसकी वजह से जो फसलें थी वो खराब हुई। लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। उन्होंने फसल खराबे का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। फसलों को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करवाया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो क्षेत्रों का जायजा लें, निरीक्षण करें और ये आकलन उन तक पहुंचाएं कि इस शीतलहर की वजह से, इस ओलावृष्टि की वजह से कितना नुकसान फसलों को हुआ है। अब इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी लेने वाले हैं और आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग की वो बैठक लेंगे और उसी के अनुसार आगे दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि कितना मुआवजा किसानों को देना है। क्योंकि लगातार हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर कई किसान शीतलहर की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से हुए फसलों के नुकसान की वजह से आक्रोशित नजर आए। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कई पाबंदियों के साथ गृह विभाग से गाइडलाइन जारी हुई है। नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ होगा शिक्षण कार्य। नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में घटाई मेहमानों की संख्या, 30 जनवरी तक केवल 50 लोग ही होंगे विवाह समारोह में शामिल। दाह संस्कार में केवल 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू रहेगी पाबंदी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ 8 बजे तक खुलेंगे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व घर पर ही मनाने की अपील की है। रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकानें और शॉपिंग मॉल। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही बिठाए जा सकेंगे लोग। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। बेहद बड़ी और अहम खबर ये अपने आप में, क्योंकि सीधे आपसे जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कोविड को देखते हुए। क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा आंकड़े पूरे देश में सामने आए हैं, तो इससे अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गई है, भयावह स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये मानकर चलना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, उसी हिसाब से हमें एहतियात और ज्यादा बढ़ाने होंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना होगा, गाइडलाइंस जो जारी की जा रही है उनको फॉलो करते हुए अपनी ओर से और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि कई पाबंदियों के साथ गृह विभाग ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं कक्षा तक के स्कूल। जितने भी स्कूल हैं जो 12वीं कक्षा तक संचालित हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है 30 जनवरी तक। कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ होगा शिक्षण कार्य। हालांकि कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी खुले रहेंगे, पर वहां पर 50% क्षमता के साथ ही शिक्षण कार्य होगा। नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या घटाई गई है। 30 जनवरी तक केवल 50 लोग ही होंगे विवाह समारोह में शामिल। आपको बता दें, इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी गई थी, लेकिन अब नई गाइडलाइन के तहत किसी भी मांगलिक कार्य में, विवाह समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं अगर बात करें दाह संस्कार की, तो उसमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू रहेगी ये पाबंदी। तो वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स,
50% क्षमता के साथ 8 बजे तक खुलेंगे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व घर पर ही मनाने की अपील की गई है सरकार की तरफ से, और फर्स्ट इंडिया भी आपसे अपील करता है कि इन त्योहारों को घर पर ही मनाइए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए, दोनों के लिए ही बेहतर होगा। तो वहीं रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकानें और शॉपिंग मॉल। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 50% क्षमता के साथ बिठाए जा सकेंगे लोग। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।